तो भी गाइस फाइनली आ चुके हैं अपने न्यू स्टूडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फेवरेट एरिया से जो कि है मंदिर। तो यहाँ पे ये मंदिर है ग्लास वाला, ग्लास को खोलना पड़ता है इस तरह से। और यहाँ पे देखो यहाँ हमारे भगवान जी हैं। और मंदिर के लेफ्ट में यहाँ पे हमारा सिटिंग एरिया, यहाँ पे मतलब सोफे लगे हुए हैं। देख, दो जने यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं। हाँ, दो जने यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो चेयर लगी हुई है। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. तो guys, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा न्यू स्टूडियो जो कि मैंने घर के पास में ही ले लिया है फाइनली। और लेने का रीज़न ये है, आप लोगों को पता होगा कि अभी जो भी हमारी मीटिंग होती है, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, कोई भी हमारे घर में आता है तो सब यहीं बैठते हैं। छोटा स्पेस है हमारा, ये जो सोफे वाला एरिया आप लोगों को पता होगा, सब यहीं पर आते हैं, सब यहीं बैठते हैं, छोटा स्पेस है। और पूरी फैमिली, पूरे 10 के 10 लोग हम यहीं पर रहते हैं। तो थोड़ा ना ऑकवर्ड सा लगता है कोई मिलने आता है, कोई गेस्ट आता है, कोई मीटिंग होती है, क्योंकि सब खुला खुला है, सारे यहाँ सोफे बैठे होते हैं, सब मम्मी मम्मी चाची सब काम कर रहे हो सब, तो वो थोड़ा ना अजीब सा लगता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि अलग से स्पेस होना चाहिए जहाँ पे मीटिंग हो, कोई गेस्ट आए, किसी से मेरी मीटिंग हो, कुछ काम से रिलेटेड कुछ भी काम होता है ना, तो मैं अपने स्टूडियो में वहीं पर मिलूँ, वहीं पर मीटिंग हो और फैमिली को प्राइवेसी मिले, स्पेशली फैमिली के लिए, फैमिली को सुकून मिले। थोड़ा फैमिली को थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कोई भी घर में एकदम से आता है ना, तो इसीलिए तो मैंने न्यू स्टूडियो फाइनली ले लिया है। देखो जो ये वाला घर है ना, यहाँ पे हम 2 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पे ना कोई भी आता है तो यहीं बैठता है और यहीं पे सब काम कर रहे होते हैं, यहीं पे सब खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते हुए देख सकते हैं किसी को भी, मम्मी चाची यहाँ पे, यहीं पे हमारा किचन है, यहीं पे 2 रूम यहाँ पे हैं, 1 रूम यहाँ पे है, और यहाँ पे रूम भी 3 ही हम 10 लोगों के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक न्यू स्पेस होना चाहिए, है ना मम्मी, होना चाहिए ना। तो ये स्पेशली मैंने डिसीजन लिया है फैमिली की प्राइवेसी के लिए, ताकि फैमिली अच्छे से रहे। और जो मेरा ये रूम है ना, मैं ये भी वहीं पर शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ, बिकॉज मैं रात रात भर जागे रहता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, फिर कहीं पर किचन में आता हूँ, कुछ खाने पीने बनाता हूँ, तो घर वालों को डिस्टर्बेंस होती है और ये भोगता है एकदम से, रात को मैं एकदम से बाहर आता हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपना रूम भी वहीं शिफ्ट कर लूँ, वहाँ पर 2-3 रूम भी हैं, तो वहाँ पर मेरे साथ में पीयूष, साहिल या फिर फैमिली में कोई मेम्बर भी रह सकता है। तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कम्प्लीट, बहुत मस्त स्पेस है ये। देखो यहाँ पे घर में ना दादाजी अम्मा सब इस तरह से बाहर बैठे रहते हैं, धूप सेकते रहते हैं, इसलिए इनको सबको प्राइवेसी मिल जाएगी मस्त। तो भी गाइस फाइनली आ चुके हैं अपने न्यू स्टूडियो में जो कि ये देखो पूरा घर है, बट मैं इसको अपना स्टूडियो बनाने वाला हूँ, अपना पर्सनल स्पेस जहाँ पे मेरी सारी मीटिंग होंगी, सारे जो भी गेस्ट आएंगे या फिर जो भी मेरा प्रोफेशनल काम होगा ना वो यहाँ पे होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कम्प्लीट, यहाँ पे ना सारा फर्नीचर भी है भाई, सब कुछ, सोफे लगे हुए हैं, बेड हैं, डाइनिंग टेबल हैं, किचन है, टेबल। तो यहाँ पे जो पहले रहते थे ना, जिनसे हमने लिया है, तो रूम के साथ में सारा सामान भी हमने लिया है, सारा सामान, ताकि यूज़ में आ जाए, क्योंकि भाई खरीदने से बढ़िया है सब कुछ मिल जाएगा। बस मेरे को अपना जो स्टूडियो बनाना है ना, उसके लिए टेबल और जो अपना स्टूडियो का सामान है ना वो खरीदना पड़ेगा, बाकी इस घर में सब कुछ है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फेवरेट एरिया से जो कि है मंदिर। तो यहाँ पर ये मंदिर है ग्लास वाला, ग्लास को खोलना पड़ता है इस तरह से। और यहाँ पे देखो यहाँ हमारे भगवान जी हैं, मतलब जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, हमारा नया घर भी बन रहा है, हमने स्टूडियो भी ले लिया, और भी जो भी फ्यूचर में करेंगे मस्त, यहाँ पे सुबह शाम मस्त हम आरती करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान जी को प्रणाम करेंगे। तो हाँ देखो काफी सुंदर मंदिर है, यहाँ पे गोल्डन थीम पे बना हुआ पूरा, अच्छा बना है, मतलब सबसे फेवरेट एरिया है हमारा, सबसे फेवरेट। और एक ग्लास को हम बंद कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर्दे भी लगे हैं, पर्दे बंद कर सकते हैं और इस तरह से ग्लास को बंद कर सकते हैं। और इसके चारों तरफ यहाँ पे देखो वुडन लगा हुआ है, यहाँ भी वुडन लगा हुआ है, यहाँ भी वुडन लगा हुआ है, मतलब चमक रहा है मंदिर, दूर से मंदिर चमक रहा है देखो। और मंदिर के लेफ्ट में यहाँ पे हमारा सिटिंग एरिया, यहाँ पे मतलब सोफे लगे हुए हैं, व्हाइट कलर के सोफे, मस्त इस तरह से मस्त बैठ सकते हैं, 7-8 लोग आराम से बैठ सकते हैं, साथ में मस्त टेबल लगी हुई है यहाँ पे, और ये सब साथ में इंक्लूड है गाइस, सब कुछ हमने साथ में ही लिया है, पूरे घर के साथ में हमने सब कुछ लिया है। यहीं पे हमारी सारी मीटिंग होगी, जो भी गेस्ट आएंगे सब कुछ यहीं पे होगा। और साथ में बैठने के लिए यहाँ पे 2-3 मोड़े भी रखे हुए हैं, देखो यहीं बैठ सकते हैं, साथ में ये भी है, और यहाँ पे ना एक स्पीकर भी रखा हुआ, देखो सब वूफर रखा हुआ, पता नहीं चलता है नहीं चलता, साथ में ये देखो क्यूट सा, चलेगा बेटा। और ये देखो क्यूट सा डॉगी, इसके अंदर भी बल्ब लगा हुआ है, शायद जलता है। चलो मैंने आपको ये वाला एरिया दिखा दिया कंप्लीट, यहाँ पे मंदिर है, सोफे रखे हुए हैं, टेबल है, उसके सामने यहाँ पे लगा हुआ है टीवी, तो यहाँ पे टीवी में कुछ भी देख सकते हैं अगर कोई भी आता है तो। और यहाँ पे जगह कुछ रखने की, यहाँ पे हमने कुछ भी अलग से नहीं लिया, अभी सब कुछ साथ में ही है, ये जो भी चीजें रखी हुई है ना, जैसे देखो ये है, देखो मनी प्लांट रखा हुआ है, ये एक छोटी सी चेयर भी है यहाँ पे, देखो मोरपंख भी रखे हुए हैं देखो यहाँ पे, और यहाँ भी स्पेस है रखने के लिए कुछ कुछ। अच्छा ये गमले हैं, ये सब गमले हैं, और यहाँ पे ना यूनिक सा शू रैक भी है, ये देखो इसकी इस तरह से खुलता है, इस तरह से इसके अंदर शूज रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ी शूज रख सकते हैं, इस तरह से बन जाता है। गाइज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज अब ये एरिया यूज होगा, अब मतलब डेली मैं आपको दिखूंगा, यहाँ पे जो भी हमारी मीटिंग होगी, जो भी गेस्ट आएंगे सब यहीं बैठेंगे, सब यहीं पे चिल करेंगे। और यहाँ पे एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल भी है, जैसे कोई गेस्ट आते हैं उनको अगर डिनर कराना है, जैसे अभी हम अभी तो हम अपने घर के अंदर कराते हैं ना, कुछ भी खाना कराना है, डिनर कराना है, लंच कराना है, कुछ भी कराना है, तो हम यहाँ पे करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किचन भी है। चलो मैं आपको किचन भी दिखाता हूँ,
गाइस बिल्कुल यूनिक वाली मॉडर्न किचन है यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे हम सब सब्जी काट सकते हैं, दो जने यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं। हाँ, दो जने यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं। अभी यहाँ भी देखो चेयर लगी हुई है, ऊंची वाली चेयर है, यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं दो जने। और इधर अंदर अंदर और किचन में सब कुछ लगा हुआ है, वाटर प्यूरिफायर है, गीजर लगा हुआ है और सारे बर्तन वर्तन सब कुछ पड़ा हुआ है। ये जूस निकालने की मशीन पड़ी हुई है, ये माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, सारी स्टोरेज है, ये देखो इसके अंदर भी सारे डब्बे वब्बे सब कुछ पड़ा हुआ है। इसमें ड्राई फ्रूट भी पड़े, नहीं ड्राई फ्रूट नहीं पड़े। यहाँ पे गैस देखो भाई, बढ़िया वाली गैस है यहाँ पे, पता नहीं कैसे जलती है भाई, मुझे पता ही नहीं। सिलेंडर पता नहीं कहाँ लगा है, सिलेंडर बाहर होगा। एक बार में पांच चीजें बना सकते हैं, पांच चीजें गर्म कर सकते हैं एक बार में। यहाँ भी स्टोरेज है, यहाँ भी डब्बे वब्बे पड़े हुए हैं, यहाँ ग्लास व्लास पड़े हैं, ये टोस्टर है। मम्मी हमारे घर में नहीं है ये वाली गैस अभी तक, नहीं है। नए घर में लगाएंगे। मसाले रखने का डब्बा भी है, सारे बर्तन पड़े हुए हैं, सारे देखो ए टू जेड सारे यहाँ भी पड़े हैं, कुछ यहाँ पड़े हैं, प्लेट्स 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 यहाँ पड़ी हैं। यहाँ क्या है, ये देखो यहाँ भी, ये देखो यहाँ भी बर्तन, यहाँ भी प्लेट्स प्लेट्स सब पड़ी हैं। ये भी रखने का ही है, ये भी रखने का ही है, जूस बनाने वाली मशीन है ये, है ना। और ये वाला एरिया देखो कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ भी सारा सामान पड़ा हुआ है। तो गाइज मैंने आपको कंप्लीट अपने स्टूडियो का किचन तो दिखा दिया है, कमेंट करके बताना कैसे लगा। अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ, यहाँ पे उनमें से एक रूम तो इतना नेक्स्ट लेवल है ना, जहाँ मैं शिफ्ट भी होने वाला हूँ अब, क्योंकि उस वाले घर में छोटा सा रूम है, वहाँ पे मेरा सारा सामान भी नहीं आ पाता ना, तो यहीं शिफ्ट हो जाऊँगा मैं। चलो दिखाता हूँ आपको, आओ मम्मी। तो किचन से लेफ्ट में आते ही यहाँ पे फ्रिज भी है गाइज, जो कि काफ़ी डबल डोर वाला फ्रिज है और सैमसंग का फ्रिज है, काफ़ी अच्छा फ्रिज है। अभी खाली है ये पूरा फ्रीजर है और ये फ्रिज है, मतलब फ्रिज भी साथ में मिला है हमको पूरा। और डाइनिंग टेबल के लेफ्ट में यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं घर में भाई, यहाँ भी स्टोरेज है, यहाँ भी सामान रखा हुआ है थोड़ा बहुत, यहाँ भी स्टोरेज है, कांच के ग्लास रखे हुए हैं बहुत सारे, यहाँ भी स्टोरेज है भाई। ये क्या गहने वहने हैं क्या, ये क्या है, ये बताओ क्या है, आइसक्रीम खाने वाले। अच्छा आइसक्रीम खाने वाले, मम्मी को बड़ा बताया यार, नए के नए यूज ही नहीं किया आज तक कभी। और ये देखो टेबल पे, यहाँ पे इसमें अचार वगैरह रख सकते हैं, नमक वगैरह रख सकते हैं, इसमें भी चम्मच वम्मच रख सकते हैं। और यहाँ पे टेबल भी है खाना सर्व करने के लिए, टायर लगे हुए हैं, वाईफाई भी लगा हुआ भाई, और सब जगह एसी लगे हुए हैं, हर रूम में एसी लगे हुए हैं सब जगह। चलो वॉशरूम दिखाते हैं आपको, वॉशरूम से पहले यहाँ पे है एकदम गोल गोल है, यहाँ पे गर्म पानी भी आता है, ठंडा पानी भी आता है मस्त, और बड़ा शीशा लगा हुआ है यहाँ पे देखो। और लेफ्ट में है पूरा वॉशरूम, ये देखो व्हाइट कलर का है, मस्त लग रहा है। यहाँ भी बड़ा शीशा लगा हुआ है, बाल्टी वाल्टी सब कुछ पड़ा हुआ भाई, मतलब बहुत प्रीमियम बना हुआ है सब कुछ, बहुत प्रीमियम। मम्मी को तो बहुत पसंद आया, मम्मी को दिखाया ना, मम्मी को बहुत पसंद आया। ठीक है बेटा तेरे काम के लिए हो गया और क्या, ना स्टूडियो बनाएगा रहेगा। एक और फ्रिज है भाई यहाँ पे छोटा वाला, ये देखो एक और फ्रिज है, दो फ्रिज रखे है, पता नहीं क्यों दो फ्रिज क्यों रखे हमें, गर्मियों में सामान होता है बहुत सारा, अभी कुछ का भी कुछ तब रखे है। और यहाँ पे दो रूम है, एक रूम ये है एक रूम ये है। अरे ये देखो कितना क्यूट है, खुलता है वो, क्यूट है ना। चलो अब दिखाते हैं पहला रूम, खोलो मम्मी। तो ये है पहला रूम, ये देखो भाई यहाँ बेड है, टीवी भी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे बैठने के लिए मोड़े भी रखे हुए हैं, और ये देखो टेबल भी रखी हुई है, चेंजिंग रूम भी है, तो अलमारी उलमारी सब है देखो। यहाँ पे रूम का वॉशरूम, ये भी गोल है। तो ये पहला रूम है, ये उसका वॉशरूम है। तो अगर हमारे कोई भी गेस्ट आते हैं तो सिंपली सीधा यहीं पर रुक सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। अब चलते हैं दूसरे रूम में, लाइट ऑन करो। यहाँ भी बेड है, टीवी है, एसी है, अलमीराज हैं, मतलब गाइस पूरा रूम रेडी है रहने के लिए। अरे अम्मा भी आ गई, अरे हम भी आ गए घूमते फिरते, हमने कहा तेरा स्टूडियो कैसा है हम भी देखें थोड़ा, हमको भी देखने की हो रही है यार कैसा है क्या है, देख लो है? देख लो, लो। तेरे दादाजी को भी ला गई मैं, जैसे हमारे घर में दो होते हैं ना, इसमें पांच है, एक साथ में पांच चीजें चल जाएंगी। अरे जल रहा है, जल गया कौन से रह गए पता नहीं, बंद कैसे होंगे ऐसे, अच्छा ऐसे बंद हो जाएंगे। हॉट सीट, हॉट सीट दादी, ये नहीं घूमती है,
अम्मा हल्की है, आप हिल ही नहीं रहे देखो। चलो सबको पसंद आया घर, बैठो बैठो बैठ जाओ। पैर जोर नहीं देता है और थोड़ी है ये देख कैसे। गैस मम्मी बैठ ही नहीं पा रही इसके ऊपर। बैठ पाती हूँ ना मैं, तब तो मैं कहती हूँ तेरे खाली थोड़ी गए। इतने में भी नहीं बैठ पा रहा। नहीं बैठ पाती मैं, ऊंचा चढ़ ही नहीं पाती। चलो फिर खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हो जाओ। तो गाइज मैंने आपको कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर तो दिखा दिया, यहाँ पे क्या क्या है, किस तरह से दो रूम है, एक किचन है, डाइनिंग टेबल है, सिटिंग एरिया है, वॉशरूम, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब इसका जो फर्स्ट फ्लोर है ना, जहाँ पे मैं अपना रूम और स्टूडियो बनाने वाला हूँ, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। मैं अभी रेडी नहीं है, चाबी भी नहीं है, थोड़ी वहाँ पे साफ सफाई करनी है, उसके बाद मैं वो कल दिखाऊंगा। तो कमेंट कर बताना वो ये कैसा लगा और इसको लेने का मेन रीजन क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। बाय द वे थैंक यू सो मच, सिर्फ आप लोगों की वजह से है जो भी है और जो भी हम कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से है। थैंक यू सो मच, सारा क्रेडिट आप लोगों को है हमारी लाइफ चेंज करने का। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, पसंद आया तो लाइक कर देना, नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा अपना रूम। मेरा रूम आपको बहुत पसंद आएगा, इस बात की 100% गारंटी है कि आपको मेरा रूम बहुत पसंद आएगा, बहुत नेक्स्ट लेवल लगेगा। और जो ऊपर का सिटिंग एरिया ना, वो भी यूनिक है, वो भी आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और ये है प्यारा सा किचन, किचन 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 गई जी किचन।